चैप्टर से लेंगे हम पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ से लेंगे। आपका चैप्टर फर्स्ट जो पॉलिटिकल सोशल लाइफ का है वो है इक्वालिटी। ओके, इक्वालिटी आप सभी जानते हो समानता, अगर हिंदी में इसका एक्चुअल मीनिंग है तो समानता। अब सिंस आपका पॉलिटिकल सोशल लाइफ में ही इक्वालिटी टॉपिक है तो सिर्फ समानता ही इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ओके, इक्वालिटी मीन्स इन इन पॉलिटिकल लाइफ इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इक्वल स्टेटस। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इक्वल स्टेटस जब किसी भी सिटीजन को मिलता है तो उससे हम बोलते हैं इक्वालिटी। इतना समझ में आया? ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई इज इक्वालिटी ए की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, इक्वालिटी एक बहुत ही की रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल। अब रूल ऑफ द पीपल मीन्स एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर किसी भी कंट्री के पीपल्स, वहां की जनता ये डिसाइड करती है कि उनका लीडर कौन होगा। दे हैव ऑल द राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स। जब भी वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, हमारे यहाँ भी हर 5 साल में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, और आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को, वो जाते हैं और अपना वोट कास्ट करके आते हैं, और जिस भी लीडर को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो एक्चुअल में हमारा लीडर कहलाता है। सो इससे पर क्या, इससे मतलब डेमोक्रेसी में होता है, डेमोक्रेसी से का फायदा ये है कि जो पीपल जो चाहते हैं, जिस इंसान को चाहते हैं कि वो हमारा लीडर बने, वो इंसान लीडर बन सकता है। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? आई एम अगेन रिपीटिंग, रूल ऑफ द पीपल। अब व्हाट इज द रूल, जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज द रूल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। तो आपने अभी थोड़े दिन पहले, आपने जब हमारे अभी 2019 में इलेक्शंस हुए थे, आपने अपने पेरेंट्स को देखा भी होगा कि वो इलेक्शंस देने का अपना वोट कास्ट करके आए होंगे। तो वोट कास्ट करने की इंडिया में एक पर्टिकुलर एज है। अब पर्टिकुलर एज यानी कि अगर इंडिया में कोई भी इंसान, अगर उसकी एज 18 या 18 से अबव है, तो वो उसके पास पूरा राइट है, वो अपना वोट कास्ट करके आ सकता है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट है जो मेन है कि व्हाट, अब हमारे जो नेक्स्ट जो आपके माइंड में चीज चल रही होगी कि क्या होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये बोलती है कि एनी पीपल हु हैज एन एज ऑफ 18 और अबव, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजियन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजियन, वो वोट कास्ट करके आ सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 18 साल के हो, आप लड़की हो, लड़का हो, आप किसी भी कास्ट हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, आप किसी भी रिलीजन के हो, आप वोट करने जा सकते हो। नो वन हैज द राइट टू स्टॉप यू टू कास्ट योर वोट। तो समझ में आया व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजियन, अगर वो 18 इयर्स का है तो अपना वो कास्ट करके आ सकता है। अब वो क्या रोल प्ले करती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इससे होता है कि डेमोक्रेसी में क्या रोल प्ले करती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इससे होता है कि सब यहाँ पे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये बताने की कोशिश करी है कि एवरीवन इज इक्वल। या तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच पीपल ही वोट कर सकते हैं, नहीं, अगर ज्यादा पुअर पीपल, गरीब गरीब जो इंसान है वो भी वोट कर सकते हैं, अमीर इंसान वो भी वोट कर सकते हैं, किसी कोई भी कम्युनिटी का हो इंडिया में वो भी वोट कर सकता है, कोई भी जेंडर का इंसान हो वो भी वोट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या रोल प्ले करती है कि एक तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शो कर दे कि हम लोग किसी भी इंसान को हम भेदभाव या डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। अब एक और इसका फायदा ये होता है कि कहना नहीं कि इंश्योरिटी मिल जाती है कि इंडिया में जहाँ जितने भी इंसान हैं,
जो कि 18 ईयर से अबव है, उनके पास पूरा हक है अपना लीडर इलेक्ट करने का। अब जो नेक्स्ट फॉर्म्स है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। कि हम हमने पहले चैप्टर के हेडिंग सबसे पहला वर्ड हमने इक्वालिटी पढ़ा, फिर हमने डेमोक्रेसी का वर्ड पढ़ा कि हम इलेक्ट कर सकते हैं अपना लीडर, हमने यूनिवर्सल हेडल फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर 18 ईयर्स हैं और 18 ईयर्स से वो है तो आप वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी स्टिल कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर कुछ सम सेक्शन ऑफ द पीपल को इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। तो वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इतने साल इतनी मतलब एक तरीके से आपको वोट कास्ट करने के लिए मिल रहा है, आपको इक्वल स्टेटस मिल रहा है, उसके बाद भी आप आपको इनइक्वालिटी या कुछ सेक्शन सोसाइटी को स्टिल कुछ सेक्शन सोसाइटी को स्टिल उनको इनइक्वालिटी उनके साथ होती है। अब भले हमें एक पूरा वोट करने के लिए हमें सबको वोट करने के लिए मिलता है, पर उसके बावजूद भी आप ये देखते हो कि देयर आर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऑल्सो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कम्युनिटी, हर जगह कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया। अब अगर जेंडर का ही छोटा सा एग्जाम्पल दे दो, आप सब क्लासेस मेरी ऑनलाइन आप ले रहे हो और आप स्कूल भी आते थे, उसमें आप बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही आते हैं, बॉयज तो एजुकेशन लेते हैं पर साथ ही साथ गर्ल्स भी आ गई, तो आप सब बहुत लकी हो कि आप लोग एजुकेशन आपको घर वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। बट देयर आर सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी जहाँ पर कुछ लड़कियों को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जैसी आप लोगों को मिल रही है। सेम चीज जो होती है वो कहीं जॉब बेसिस पे भी होती है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि ये फीमेल कैंडिडेट है तो मे बी ये कर पाए नहीं कर पाए, एजुकेशन में तो होता ही डिस्क्रिमिनेशन। साथ ही साथ आप अगर रिच एंड पुअर के बेसिस पर अगर हम इनइक्वालिटी देखें तो रिच इज गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअर एंड पुअर, तो यहाँ भी इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे रिच जो पीपल्स होते हैं उनको तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इक्वल स्टेटस मिल रहा है, पर लेकिन क्या ऐसे स्टेटस पुअर पीपल्स को मिल रहा है? नहीं, उनको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, पर लेकिन ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, तो ये एक टाइप की इनइक्वालिटी है कि उनको ये इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा है। भले ही हमने उनको वोट करने के लिए हमने उनको इक्वालिटी स्टेटस दिया कि हाँ आप वोट कर सकते हैं, बट इसके बावजूद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि एवरीवन इज इक्वल एंड कैन बी वोट, इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ले सकता है कि वो अपना लीडर चुन सकता है, पर लेकिन उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इक्वल स्टेटस नहीं मिलता। एजुकेशन में भी होता है, आप लोग अच्छे घर से हो तो आपको एजुकेशन मिलती है, बट स्टिल देयर आर सम किड्स बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही। तो इसी में आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी थी जो आज भी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही। तो उसमें सबसे पहला जो कॉमन इनइक्वालिटी देखी जाती है वो देखी जाती है कम्युनिटी पे जो इनइक्वालिटी, बेसिकली हम दो हिस्सों में बात करते हैं, एक बेस्ड ऑन द रिलीजन, सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन द कास्ट। रिलीजन एज डिफरेंट रिलीजन तो वहाँ हो सकता है कि कुछ जगह पर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल स्टेटस ना मिलता हो। अगर हम कास्ट के हिसाब से देखें तो अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि अपर कास्ट को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाती है या लोअर कास्ट को बैकवर्ड क्लास के तहत उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको कोई इक्वल स्टेटस नहीं मिलता है। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कास्ट एंड द रिलीजन। सेकेंड आती है इनकम, जैसे थोड़ी देर पहले बता रिच पीपल्स, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिल सकती है, बट जो पुअर पीपल्स हैं क्या वो अच्छे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती हैं उनको? नहीं, उनको इनफैक्ट प्रॉपर फूड भी अवेलेबल नहीं होता है, नॉट इवन प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, बहुत दूर की बात है। तो ये टाइप की इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। थर्ड फिजिकल अपीयरेंस, देयर आर सम प्लेसेस वेयर समवन इज जज्ड बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस इन द कि इसका स्किन का कलर फेयर है
इसका स्किन का कलर फेयर नहीं है, इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। आजकल एडवर्टीजमेंट भी बनते हैं कि जब जो जिस जिसकी स्किन फेयर है तो वो कामयाब हो सकता है, जिसकी स्किन फेयर नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता है, या फिर वो जिसकी स्किन फेयर नहीं है वो अगली है। तो एक टाइप का, ये एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक टाइप की इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती है इंडिया में। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, क्योंकि थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि जेंडर की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। कहीं जगह हमको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलती है लड़कियों को, लड़कों को तो मिलती है लड़कियों को नहीं मिलती है। आप सब बहुत लड़की हो, आपको एजुकेशन मिलती है, ऐसी बहुत सारी सेक्शन सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाता, आगे जॉब करने नहीं दिया जाता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, दिस आर द मेजर टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक आप इसको एक बार अच्छे से सुनिएगा और दो से तीन बार सुनिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो आपने ये समझ लिया इक्वालिटी के या कैसे कभी और इन इक्वालिटी कैसे एग्जिस्ट कर रही, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए हैं जिससे कि ये इन इक्वालिटी जो हो रही है उसको कम कैसे कर सके, मिनिमाइज कैसे कर सके, क्या इक्वालिटी होती है ये पढ़ा, उसके बाद में क्या व्हाट डज द यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइजी रोल प्ले करती है इंडियन डेमोक्रेसी में, और उसके बाद में थर्ड जो हमने टॉपिक में देखें कौन कौन से वेरियस काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज है जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है, उसके साथ हम उनके बारे में डिस्कस भी करते हैं कौन कौन से वेरियस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी फेस करते हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ स्टेप्स दैट वर टेकन बाय द गवर्नमेंट और बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग इक्वालिटी। उसी में सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इक्वालिटी थ्रू लॉ, कि लॉ के थ्रू कैसे इक्वालिटी लेके आए, मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे लॉज बनाए, कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे कि इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो गई। तो उसी में सबसे पहला जो लॉ बनाया था तो उसमें हम SC/ST एक्ट या फिर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बनाया था 1989 में, जिसकी वजह से आप किसी भी बेसिकली जो लॉ बनाया था ये कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए बनाया था। कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो लोअर कास्ट के पीपल्स पर जो डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी होती थी उसके लिए ये लॉ बनाया गया था, जिसमें कि SC/ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया था। इससे उनके राइट सेफगार्ड होते हैं, एज वेल एज जो भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है उसको जुडिशियली एक्शन लिया जाता है, एज वेल एज इट आल्सो हेल्प जो भी विक्टिम्स होते हैं उनको रिहैबिलिटेशन करने में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लॉ बनाया वो बनाया आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 ये बोलता है कि एवरीवन इज इक्वल इरिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट जेंडर रिलीजियन कम्युनिटी कास्ट, इस सब को वो नहीं देखता है हमारा या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको नहीं देखता है, वो जानते कि पर्सन एनी हैज ऑल और ही इज इक्वल बिफोर द लॉ। सेकेंड जो चीज वो जो बोलते कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, क्या आप इसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। थर्ड चीज कि वहाँ के कोई भी पर्सन को प्राइवेट पब्लिक प्लेसेस में जाने की मनाही नहीं माना नहीं किया, पहले के हमारे जो लोअर क्लास के पीपल होते थे उनको स्कूल्स में उनको टेंपल्स में एंटर करने नहीं दिया जाता था, बिकॉज वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसके साथ साथ और जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट की कोई भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जेंडर या फिर रिलीजन या फिर कम्युनिटी को लेकर। फिर इसके बाद एक और जो लॉ बनाया गवर्नमेंट ने वो बनाया था एक्सेस टू द प्राइवेट स्कूल, है ना। अब यहाँ पर ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियली वीक हो, है ना, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वीक हो, इसलिए गवर्नमेंट ने सभी प्राइवेट स्कूल्स में 25% ऑफ द सीट्स एलोकेट कर रखी है फॉर दिस स्पेशल काइंड ऑफ स्टूडेंट हुज इकोनॉमिकल कंडीशन इज वीकर, एंड ऐसे बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा कमजोर हो वो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। बट इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे
इक्वालिटी थ्रू गवर्नमेंट स्कीम, इक्वालिटी थ्रू गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम, कि गवर्नमेंट स्कीम और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए जिससे कि इक्वालिटी स्टैब्लिश हो सके। ओके, मैंने उस दिन भी बताया था कि एक जो इनइक्वालिटी होती है वो है द रिच एंड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, कि द रिच पीपल दे गेट ऑल द टाइप ऑफ फैसिलिटीज, हर टाइप की फैसिलिटीज मिलती है, एंड वेयर इज द पुअर डजंट गेट इनफ फैसिलिटीज। अब इसमें सबसे पहला जो मैं बात करूँ वो जो लॉ बनाया गया जो इंडियन है जो आप स्क्रीन पे देख लो, ये लॉ इसलिए बनाया गया ताकि एवरी स्टूडेंट या एवरी चिल्ड्रन हैव ऑल द राइट ऑफ एजुकेशन। ये जो लॉ बनाया है एक तो एक्सेस टू प्राइवेट स्कूल एज वेल एज द मिड डे मील, इन दोनों लॉज का बनने का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि एवरीवन या फिर एवरीवन हैज द राइट टू एजुकेशन, ये सभी का राइट है कि उसको एजुकेशन मिले, इसीलिए ये दो रूल बनाए गए। टेक्निकल प्राइवेट स्कूल में आप समझ चुके हैं कि 25% स्कूल में सीट जो प्राइवेट स्कूल की वो रिजर्व रहती है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो सोसाइटी के उनके बच्चों के लिए, साथ ही साथ जिसको कि आप जानते होंगे आरटीई। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो होता है मिड डे मील। अब जो मिड डे मील जो स्कीम है सबसे पहले मद्रास के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में स्टार्ट हुई थी, इस स्कीम के थ्रू ये था कि बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आते थे उनको लंच के टाइम जो फूड प्रोवाइड किया जाता था वो उनको गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड किया जाता था, एज इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल स्कीम बिकॉज बच्चा भाई यहाँ पे दो फायदे हैं, एक तो बच्चे को एजुकेशन मिल रही है, स्टूडेंट को एजुकेशन मिल रही है, एज वेल एज उसको एजुकेशन भी मिल रही है, तो इसी तरह एक टाइम पे यहाँ पे दो अच्छे काम होते, इसी वजह से ये स्कीम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। पहले तो उसे स्टार्ट किया था मद्रास ने, मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर धीरे धीरे इसको गुजरात केरला और तमिलनाडु पांडिचेरी इन जगहों पर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया बाय द टाइम 1980s। फर्स्ट टाइम 1925 में मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की थी, फिर से याद रखिएगा 1925 में मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की थी। उसके बाद 1980s तक ये जो स्कीम थी, ये प्रोग्राम था, ये गुजरात केरला तमिलनाडु एंड पांडिचेरी इन जगहों पर भी स्टार्ट कर दी थी। Finally, in the year 2001, Supreme Court of India ने ही मिड डे मील को implement किया for all the government school present in the India within the time of the 6 months. 6 months के अंदर 2001 में Supreme Court ने ये order दिया कि मिड डे मील स्कीम जो है वो throughout the India रन करनी चाहिए all the government schools. वही बात है, फायदा यहाँ पे दो बोला था, because एक तो बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड मिलता एंड सेकंड जो कि एजुकेशन। ओके, इसके फायदे भी बहुत सारे हैं कि एक तो जो राइट का राइट टू एजुकेशन का जो राइट है वो बच्चों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बच्चा पढ़ने आएगा स्कूल पढ़ने आएगा उसको एजुकेशन भी मिलेगी। सेकंड जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पीपल होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो दोनों वर्क करते हैं, तो इससे जो उनकी मदर है तो वो भी बाहर जॉब कर सकते हैं या वर्क कर सकते हैं एज अ लेबर, जिससे कि उनको कोई अर्निंग सोर्स मिले, जिसकी वजह से वो एज अगर बच्चा अगर उनके साथ आया तो कहीं काम करने नहीं जा सकते थे, इसीलिए वुमन ऑल्सो स्कूल ऐसे मीटिंग की वजह से बच्चे स्कूल आ जाते हैं एंड वुमन वेल ऑल्सो नाउ एबल टू गो टू डू देयर वर्क। जो थर्ड है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उसमें क्या होता था बच्चों को कुछ बच्चों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता था या फिर टेम्पल्स में एंटर नहीं करने दिया जाता था। अब स्कूल जब ऐसे करते जब सारे बच्चे एक साथ खाना खाते हैं तो उस समय ऐसी भी एक ऐसे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था कि साथ में जो लोअर कास्ट के जो पीपल्स होते थे वो लोअर कास्ट के पीपल्स के साथ फूड खाना जो नहीं खाते थे, इस स्कीम के थ्रू तो ये धारणा भी बदली कि नो जो कोई भी कास्ट का बच्चा हो कोई भी कास्ट का या रिलीजन का बच्चा हो साथ में रुक के बैठ कर खाना खा सकता। दो और चीज थी कि जो जो बच्चे ऐसे बच्चे जिनको हंगर की वजह से भूख की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी तो वो स्कूल के बहाने और स्कूल में एडमिशन लेते थे एंड उनको फूड
मिलता था एज वेल एजुकेशन भी मिलती ओके एंड एज वेल एज जो मिडिल क्लास फैमिली और बच्चे हैं उनका स्कूल में एडमिशन होने लगा इस स्कीम के थ्रू और ज्यादा स्टूडेंट स्कूल जाने लगे। ये देखते हैं कि हमने स्कीम पढ़ ली कि हमें बैठे मिल रहा बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, उनको खाना मिल रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स पढ़ी हमने, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को 25% सिर्फ मिले, क्या इसके बावजूद भी इंडिया में कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर भी अभी भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और जो गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड ताकि सभी तक ये स्कीम से प्रोग्राम्स पहुँचे, ये लॉ, ये जो लॉ है इम्प्लीमेंट हो, पड़ेगी हालांकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। ठीक, थोड़ी बहुत ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि अगर आस पास हमारे आस पास या सोसाइटी में सब कुछ होता है तो हमें भी इसके इनइक्वालिटी का अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए और ऐसे दिक्कत जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट ने आपके लिए ओपन की है तो वहां पर आप जाके फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो इससे ये भी हम समझ सकते हैं कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है बाय मेकिंग लॉज, बट ऑल्सो ये हमारी खुद की जिम्मेदारी भी है कि हम किसी तरह इनइक्वालिटी हो रही है वहां से रोके भी और हम खुद भी दूसरे के साथ ऐसा बिहेव ना करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब हम पढ़ेंगे इज इनइक्वालिटी प्रेवलेंट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इनइक्वालिटी सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करती है या अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज में भी एग्जिस्ट करती है। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, जेंडर बेस्ड का इनइक्वालिटी होती है, इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी होती है, क्या अदर कंट्रीज में भी इस तरह की इनइक्वालिटी होती है। अभी जब हमने ये टॉपिक्स कवर करे उसमें हमने देखा कि कौन से टाइप की इनइक्वालिटी प्रेवलेंट है इंडिया, तो अदर कंट्रीज में कौन कौन सी अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटीज है, ये कौन सी है या नहीं, ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसमें ऐसा केस पढ़ेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वहां पर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं।